हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अजीत और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं इस मोबाइल फ़ोन कैमरा लेंस की, जो कि अपनी प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आप एक मोबाइल कैमरा लेंस ढूंढ रहे हो या फिर परचेज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सो गाइज, ये है वो पैकेट जो मैंने परचेस किया है। अब डेफिनेटली ये मैंने amazon.in से ही परचेस किया है। तो इस रैपर को जल्दी से फाड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं निकालता हूँ यहाँ से अंदर से बॉक्स को। तो ये है वो बॉक्स जिसमें आया है हमारा कैमरा लेंस और इसके साथ ही इसके कुछ और एसेसरीज वगैरह भी हमको देखने को मिलेंगी। तो ये है बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन टेलीस्कोप। तो बेसिकली ये एक जूम लेंस है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं या फिर आपको पसंद है दूर की चीज़ों की फ़ोटो खींचने का, या फिर अगर आप पेट्स वगैरह की फ़ोटोज़ खींचते हैं तो जब भी आप उनके पास जाते होंगे तो वो भाग जाते होंगे जिस वजह से आप उनकी फ़ोटो नहीं ले पाते होंगे, तो ये कैमरा लेंस आपके जो है काम आने वाला है। इससे आप जूम करके उनकी फ़ोटोज़ को ले पाएंगे। तो साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक कपड़ा जिससे आप अपने लेंस को साफ़ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स के अंदर निकली है एक क्लिप। इस क्लिप के ज़रिए आप अपने फ़ोन से अटैच कर पाएंगे उस कैमरा लेंस को, जो कि काफ़ी हैवी है। और यहाँ पर अगर बात करें इसकी क्लिप की बिल्ड क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ये छोटे वाले बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है हमारा मेन कैमरा लेंस, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी भी है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। और यहाँ पर दोनों ही तरफ आप कैमरे के अगर लेंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको एक कैप मिलती है। इन कैप को निकालने के बाद आपका जो मेन कैमरा लेंस है वो ओपन हो जाएगा। सो इस कैमरा लेंस को अपने फ़ोन में अटैच करने के बाद आप दूर के शॉट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाओगे। अगर ऊपर की तरफ देखें तो एक स्लाइडर यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको घुमाने के बाद आप इसे जूम इन और जूम आउट कर पाओगे अपने कैमरा लेंस को। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखाऊँ तो आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेंस है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसे अपने लगाते हैं अपने फ़ोन में और मैं दिखाता हूँ कि इसे जो है अटैच कैसे करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना रेडमी का नोट 5 प्रो। यहाँ पर देखने वाली बात यह कि अगर आपके पास डुअल कैमरा वाला फ़ोन है तो ये ज़रूर पता कर लें कि आपका जो प्राइमरी कैमरा है वो कौन सा है। तो यहाँ पर नोट 5 प्रो में जो प्राइमरी कैमरा है वो है नीचे वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्लिप को बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा देना है। मैं गाइज एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपके कैमरे का लेंस बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि आपको उन फोटोज़ और वीडियोज़ में जो कि आप लेंस के साथ लें वहाँ पर आपको एक ब्लैक सर्कल देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर Redmi Note 5 Pro का जो कैमरा लेंस है वो काफ़ी छोटा है तो इसमें अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। उसके बाद आपको इस क्लिप में इस लेंस को यहाँ पर इस तरह से जो है अटैच कर देना है। अटैच करते वक्त आप ये चीज़ ध्यान दें कि आपकी जो क्लिप लगाई हुई है आपने वो स्लिप ना हो जाए। अगर वो स्लिप हो गई तो क्या होगा कि आपका जो कैमरा लेंस है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फ़ोटो जो है क्लियर ना आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। तो इस तरह से जो आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है उसके बाद आप जो है फ़ोटोज़ ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो फोटोज़ आपको दिखाई हैं। जो पहली फ़ोटो है वो मैंने विदाउट लेंस ली है, यानी मैंने डायरेक्टली अपने फ़ोन कैमरे से ली है, और दूसरी फ़ोटो लेंस से ली है। और डेफिनेटली अगर बात करें फ़ोटोज़ की तो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आपको कैमरा दे देता है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार आ रही है, पर डेफिनेटली आपको 8x जूम मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप दूर के शॉट्स लेना चाहते हैं, दूर की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।